लिखा है, श्री गुप्तहरि एवं चक्रहरि तीर्थ का महात्मा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर मूर्ति है, सभी देवी देवताओं का मूर्ति यहाँ पर लगा हुआ है गाइस। तो देखिए दोस्तों, आपको इस महल को देख कर कैसा फील हो रहा है? आपको लग रहा है कि नहीं हम द्वापर या सतयुग में आ चुके हैं? ये क्या लिखा है देखो, देखिए यहाँ पर गाइस, अयोध्या मोक्ष दायिनी है, जहाँ पर हमारे प्रभु ने अपना शरीर को त्याग किए थे। चलो चलो मंदिर कितना का है? इधर बोला था तो 15 बोले थे, 15 ही लगा देते हैं, 10 बोले थे, 10 में कहीं नहीं मिला। इसका कितना कितना लगता है इसका? 30। बच्चा बच्चा ही नहीं है, क्या करें? क्या हाँ लेके आए, लेके आते हैं पकड़ के किसी को। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। और यह रहा हमारे महादेव का मंदिर है, हर हर महादेव। चलो अभी चलते हैं महादेव मंदिर। तो दोस्तों मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम चल चुके हैं इधर, यहाँ पर देखिए ब्राह्मण द्वारा अपने परिवार के कल्याण के वास्ते, व्यक्ति के कल्याण के वास्ते, गुरु मूर्ति अपने शरीर के कल्याण के वास्ते। तो दोस्तों बहुत ही देखने से लग रहा है बहुत ही पूरा पौराणिक मंदिर जैसा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी महादेव का मंदिर है, हर हर महादेव। यहाँ पर भी देख सकते हैं महादेव का मंदिर है, यहाँ पर सभी जगह मंदिर, सिर्फ महादेव का ही मंदिर है। तो यहाँ से देखिएगा इस यहाँ का नजारा। और दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है सो अंत हो जाता है घाट का, और यहाँ पर हमारे महादेव का मंदिर है। तो दोस्तों गुप्तहार घाट का जो एक छोर है सो हमको मिल चुका है, यह जो आप लोग देख रहे हैं पीछे यही अंत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यह सतयुग के समय का स्थान है, जो कि 80 से 85 लाख वर्ष पुराना है। और यह जो है सो रामचरण पादुका स्थल है, जैसे कि आप लोग यहाँ का मैं सीन दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए श्री गुप्त हरि जी कीर्ति कवर है। तो अंदर हम चलते हैं, पहले ऊपर चलता हूँ उसके बाद देखता हूँ ऊपर क्या है। इधर वायर लगा हुआ है गाइस। दोस्तों यहाँ से ऊपर का सीन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का व्यू है गाइस। अब हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे चल करके देखते हैं चरण पादुका का जो मंदिर है वहाँ पर हम दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे चले जाकर के चरण पादुका का मंदिर है। इधर आप लोग देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर देखिए गाइस कुछ नोटिस लिखा है, श्री गुप्त हरि एवं चक्रहरि तीर्थ का महात्मा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। वरदान के मध्य में उन्मत्त हुए दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवता इधर उधर भागने लगे, तब भगवान शंकर ने उन्हें रोका और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीर सागर पर भगवान विष्णु के समीप गए। भगवान वरदान, भगवान गरुड़ध्वज, यही सब नोटिस दिया गया है पौराणिक कथा का, आप लोग नीचे देख सकते हैं। और अब भी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर दान पेटी है गाइस, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है खुला। और यहाँ पर चरण पादुका है भगवान श्री राम का, और यहाँ पर देख सकते हैं चरण पादुका भगवान श्री राम का। बताएंगे थोड़ा चरण पादुका जो है भगवान श्री राम यहाँ पे कदम रखे थे अपना, ऊपर बताएंगे, ऊपर बताएंगे। तो हम अभी ऊपर चलते हैं, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों
तो यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम पुराना एकदम खंडहर की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पंडित जी रहते हैं और यहाँ पर हमारे महादेव का मूर्ति है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर मूर्ति है, सभी देवी देवताओं का मूर्ति यहाँ पर लगा हुआ है गाइस। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर सभी टूटा फूटा है, इधर भी हम लोग चल करके देखते हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर गार्डन है, तो इधर इस गार्डन का देखरेख सभी जगह का इस मंदिर का देखरेख महाराज जी करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नीचे और नीचे देखते हैं। तो यही है गुप्त हरि मंदिर, भारतीय संस्कृति मंदिर का संरक्षण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस नोटिस, गुप्त हरि मंदिर चरण पादुका मंदिर है। तो यहाँ पर जो है सो राम जी का चरण पादुका मंदिर है, यहाँ पर राम जी अपना चरण रखे थे जो मैंने आपको अभी दिखाया अंदर जा करके। और यहाँ पर इसका महल देख सकते हैं, काफ़ी एकदम राजा महाराजा जैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों आपको इस महल को देख कर ये कैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हम द्वापर या सतयुग में आ चुके हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कल के लिए मैं आपको लिए कोई एक और अच्छा सा ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊंगा, तब तक के लिए। और यदि हमारे चैनल पर आप नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ब्लॉग आपको कैसा लगा।